आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्येश गौर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के इंटरव्यू जो कि स्टार्ट होने वाले हैं 15 जुलाई से। ठीक है, संभावित डेट में पता चलिए कि 15 जुलाई से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लगभग कल या परसों से आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको कॉल में जगह समय की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू में जाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ठीक है, जो तो ये डॉक्यूमेंट तो जरूरी है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपने लेकर नहीं गए तो आपको इंटरव्यू से बाहर कर दी जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो मैं आपको आज डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ वो आपको लेकर जाना है। और उनकी उनकी क्या करना है आपको कि आपको उनकी लेकर तो जाना है और उसके साथ साथ आपको फोटो कापी भी लेकर जाना है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। ठीक है, एक सेट फोटो कापी का बना लीजिए और ओरिजिनल तो लेकर ही जाना। तो चलिए हम चलते हैं पीडीएफ की ओर कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो हम आ गए पीडीएफ की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। नोट, ये जनसेवा मित्र के इंटरव्यू में जाने से पहले इन डॉक्यूमेंट का सेट बना लेना, ओरिजिनल प्लस फोटो कापी। ठीक है, 10वीं 12वीं आपको लेकर जाना है। ठीक है, और आवेदन भरते समय जो मार्कशीट लगाई थी, ठीक है, आवेदन भरते समय जो मार्कशीट लगाई थी यानी फाइनल की मार्कशीट, ठीक है, फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको चाहिए फाइनल की मार्कशीट। ठीक है, आपने आवेदन भरते समय पहले सेकेंड की मार्कशीट से आवेदन भर दिया हो पर उनको फाइनल की मार्कशीट चाहिए। अगर फाइनल की मार्कशीट नहीं रहेगी तो वो इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर देंगे, इंटरव्यू आपको देने ही नहीं देंगे और रिटर्न एग्जाम भी आपको नहीं देने देंगे, क्योंकि रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आपको फाइनल की मार्कशीट लेकर जाना है, चाहे वो यूजी की हो या पीजी को। ठीक है, अगर 2020 की है तो नहीं लेकर जाना है, 21, 22, 23 की है तो लेकर जाना है। ठीक है, फाइनल की। और आवेदन भरते समय अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो वह भी लेकर जाना है। और आपके पास सर्टिफिकेट है, आप एड नहीं कर पाए फॉर्म भरते समय, तो भी आप लेकर जा सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंट नहीं है, आपने जो आपके आवेदन का आपके पास प्रिंट नहीं है, तो आपके मोबाइल पर जो मैसेज आया है एप्लीकेशन नंबर, उसको आपको लेकर जाना है। अगर प्रिंट है तो उसके एक प्रिंट उसका निकला लीजिए और उसको लेकर चले जाइए। ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं लगती वैसे, अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, उसको लेकर जाइए। अगर आपके पास नहीं है तो आप एप्लीकेशन लिख कर ले जाइए, अपने मोबाइल को भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ले जाना मना नहीं है, वहां पर मोबाइल ले जा सकते हैं। आधार कार्ड आपको अपने साथ लेकर जाना है, आपका आधार कार्ड है जो उसे एक साथ आपके लेकर जाना है। ठीक है, आपको आधार कार्ड भी अपना लेकर जाना है और अपने साथ दो फोटो लेकर जानी है अपने। ठीक है, दो फोटो लेकर जानी है आपको, जरूरी है। और ब्लैक और ब्लू का पेन लेकर जाना है क्योंकि आप इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम देंगे, वैसे ब्लैक की जरूरत तो नहीं लगती पर आप ले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको कोई टॉपिक वॉपिक लिखना हो तो आप लिख सकते हैं हेडलाइन। ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन छपे छपा लाएंगे, एक पेन दिया जाएगा आपको और केवल उसमें आपको लिखना रहेगा। यदि जनसेवा मित्र से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो जरूर मिल दिया जाएगा, परंतु आपको जो मैंने 7 से 7-8 चीज बताई है वो आपको लेकर ही जाना है। ठीक है, और मार्कशीट का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें फाइनल की मार्कशीट ही लेकर जाना है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम की मार्कशीट नहीं लेकर जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे ऐसी अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप संसद मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।